का जिंदगी नहीं, एक बाहर का आदमी दौड़ते कूदते फांदते तैरते उतराते वहां पहुंच जाता है। वहां जब पहुंच जाता है तो वहां के लोगों से जब मिलता है तो देख करके बड़ा आश्चर्य होता है, अरे ये क्या हो रहा है, मैं तो देख सकता हूं, ये लोग देख नहीं पा रहे हैं। जब उसको ये बात समझ में आती है, कुछ अध्ययन करता है, समझ में आता है कि यार हो ना हो कुछ ना कुछ समस्या है इनके साथ, कोई ना कोई बीमारी है इनको, कोई ना कोई डिजीज है, तो उनसे बोलता है कि भैया, उन सभी लोगों से बोलता है भैया आप लोगों को कोई ना कोई डिजीज है, कोई ना कोई समस्या है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं आप लोग नहीं देख पा रहे हो। तो वो टापू के लोग बोलते हैं क्या तुम देख पा रहे हो, ये कैसे संभव है कि तुम देख पा रहे हो, हम लोग तो नहीं देख पा रहे हैं। आपस में मंत्रणा करते हैं, कहते हैं हो ना हो किसको बीमारी है क्योंकि ये देख पा रहा है। तो जब आपका भी विरोध आए तो परेशान मत होइएगा, आप नेटवर्क मार्केटिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग की पावर को, उस सपने को, उस सक्सेसफुल जगह को आप देख पा रहे हैं, लेकिन जिनको आप बताने गए हैं, आपके मम्मी हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है, पति हो सकता है, कुछ भी रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, टेंशन नहीं लेने का। आप आंख वाले अगर हैं तो उसको मत बोलिएगा कि अंधे हो, ऐसा मत बोलिएगा, लेकिन ये समझ लीजिएगा कि अभी ये नहीं देख, हमें दिखाना, हमें प्रयास जारी रखना है। मैंने कहा मैं भाग्यशाली था, मेरे माता पिता ने कभी नहीं रोका, मैंने कहा मेरी पत्नी ने भी कभी नहीं रोका, जानते हैं क्यों, पता है कोई बताएगा, जब मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग ज्वाइन किया तब मैं शादीशुदा नहीं ऐसे मेरी शुरुआत हुई थी। ढेर सारी विदेश यात्राओं का मजा लेकर के ईएसआई अचीवर, ये सारी चीजें अभी रिसेंटली हम लोग मुन्नार घूम करके आए हैं, और दुबई और हैदराबाद का जो टीएसआई है ऑलरेडी मैं क्वालिफाई हो चुका हूं, अभी लोग कुछ लोग उस दौड़ में हैं, कुछ लोग दौड़ में आगे निकल चुके हैं, तो मैं भी क्वालिफाई हो चुका हूं। ये टीएसआई के बहुत बेहतरीन पल होते हैं जो आपको मिलते हैं, सक्सेस इसी तरह से मिलती है जिस तरह से मैं थोड़ी सी दिखाना चाहता हूं। ये मेरी अगर लाइफ इस तरह से बढ़ सकती है उन्हीं सिद्धांतों पर, सोच, सपने, तीसरा पॉइंट कोई बता दे, वेरी गुड, जिसने बोला एक जोरदार ताली, ज्ञान के बाद चौथा पॉइंट, आदत, पांचवा पॉइंट अनुशासन, संगत और अनुशासन, मेरे सिद्धांत हैं, मैं इन सिद्धांतों पर काम कर रहा हूं, और जब कर रहा हूं तो ये मेरी पहली यात्रा थी जब मैं पहली बार एक गरीब एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का कभी जो एरोप्लेन में भी नहीं बैठा था बैठा, और आज रिएक्शन की ताकत है, रिएक्शन की आज भी मैं आया हूं ट्रेनिंग देने के लिए, किस चीज से आया, जिसको कभी एसी में बैठने की औकात नहीं पता थी, जनरल बोगी में सफर किया हो उसको डीएक्शन ने उठा के कहां से कहां कह दिया, डीएक्शन की ये ताकत है माय डियर फ्रेंड। इस तरीके से टीएसआई आप एंजॉय करते हैं, विदेश में तमाम मजा लूटते हैं, तमाम आनंद लेते हैं परिवार के साथ, ये अब यहां पर मेरी पत्नी आ गई, यहां पर मैं शादी कर चुका था, तो इस तरीके से ये सक्सेसफुल लाइफ है, बदलता जाता है, ये मेरा पिताजी का बनवाया हुआ घर है, लेकिन जब डीएक्शन में मैं आया तो इस तरह की घर हो गया, ये डीएक्शन की कमाई में पूरी कोई कमाई नहीं। अभी आप लोगों के पास और बड़ी ताकत है, मैं साइकिल से सफर शुरू किया था अपने आज मेरे साथ, मैंने कहा कि 700 ऐसी फैमिली है जहां पर 2000 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए कमाते हैं, मेरे नेटवर्क में पहला ये लीडर था जिसके पास मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाने का पैसा नहीं था जब ये नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन हुआ था, इसके अपने लोग नहीं सुनते थे, ये अजनबियों के बीच में जा जाकर के काम करते थे, श्री अतुल कुमार शुक्ला जी, और आज ये अपनी बैगना सॉरी अपनी सेंट्रो ड्राइव करते हैं और 1.5 लाख रुपए से ज्यादा महीने कमाते हैं। ये मेरा होम बेस्ड बिजनेस है,
और ये मेरे वो आज के तारीख में संगत जो होती है ना, संगत जिसको मैंने कहा, मेरे मेंटर आज वो भी बदल चुके हैं, क्योंकि अभी मुझे वो मेंटर चाहिए जो 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए मुझे कमाना सिखा सके, मुझे वो मेंटर चाहिए, क्योंकि ये जो मेंटर हैं ये सक्सेस की फैक्ट्री हैं आज की तारीख में, सक्सेस की फैक्ट्री हैं, क्राउन एम्बेसडर की फैक्ट्री हैं। हमारे बिजनेस में सबसे टॉप का जो लेवल है वो क्या है, वन वर्ल्ड वन मार्केट हम बोलते हैं। इंडिया में भैया वन है, एक ही लीडर है, आप माने चाहे ना माने, और मानेंगे तो सक्सेस मिलेगी, बिकॉज ऑफ क्राउन एम्बेसडर प्रोफेशन कंपनी है। ये वो मेरे मेंटर है, मेरे अपलाइन नहीं है, ध्यान से समझिएगा, ये मेरी यशोदा है, देवकी नहीं, सबके जीवन में आएगा। इन्होंने मुझे इस बिजनेस में जन्म नहीं दिया, इन्होंने इस बिजनेस में मुझे क्या किया, पाला है, शुरुआती दिनों में इन्होंने गाइड किया है, श्री अजीत कुमार श्रीवास्तव एंड संध्या श्रीवास्तव इन्होंने। तो ये आपको भी ध्यान रखना है, आपके साथ भी ऐसा होगा, आज जो भी आप हैं उसके पीछे अगर कहीं पर जिम्मेदार हैं, पढ़ पा रहे हैं क्या लिखा हुआ, आर रेस्पॉन्सिबल, यू कहा लिखा हुआ है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आज आप डीडी है कि एसएसडी है कि आप 50,000 कमा रहे हैं कि 1,00,000 कमा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं है। उसके पीछे अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन है, आप। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अमाउंट ऑफ द चेक यू विल रिसीव ईच मंथ, हर महीने जो आप पैसा कमा रहे हैं खाते में, ई वॉलेट में आ रहा है कि आपके अकाउंट में जा रहा है, जिम्मेदार कौन है, आप खुद जिम्मेदार है। अगर आप अपने अंदर बदलाव लाएंगे तो आप भी सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। अभी कंपनी ने जो बेस्ट आपके साथ शेयर कर दिया है उस बेस्ट पर थोड़ी सी बात करने जा रहा हूं, जो कि किसी डीएक्शन के पास, किसी एमएलएम ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के पास नहीं है, आपके ही पास है, डीएक्शन के पास है, और डीएक्शन के लोगों के पास ही है, जिसको बोलते हैं आइसिंग ऑन द केक। अभी तक जो मैंने इनकम आपको बताई कि मैं मिलेनियर हूं, वो किससे मैं मिलेनियर था, आईओसी छोड़ करके, किससे, आईओसी छोड़ करके, सिंप्लीफाइड एंड इंप्रूव मार्केटिंग प्लान, आईओसी छोड़ करके। लेकिन अभी हमारे पास एक ताकत और आ गई है, ये ताकत आपके लिए और बड़ी ताकत बन सकती है अगर इसको सही तरीके से समझ लेंगे तो, इसको व्यापार की तरीके से समझेंगे तो। अभी आईओसी को बाद में समझेंगे, पहले एक बिजनेसमैन के एटीट्यूड को समझते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो कहते हैं मैं बिजनेसमैन हूं या बिजनेस वूमैन हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रश्न किया था ना कि भैया कितने लोग हैं लाख रुपए कमाना चाहते हैं, क्या था ना, ये सबके हाथ उठे थे। फिर कहां बैठ के कमाना चाहते हैं, भैया घर में बैठ के कमाना चाहते हैं, वो भ्रम तोड़ना होगा, कहां जाना होगा, कितने घंटे, 12 घंटे मैक्सिमम, अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो उस हिसाब से, अगर आपके पास दूसरा कोई काम नहीं है तो ऑल टाइम डीएक्शन करते हैं, यहाँ फुल टाइम वाला या चक्कर ही नहीं, ऑल टाइम डीएक्शन चलता है, जो पार्ट टाइम करते हैं वो भी ऑल ही टाइम चलता है उनका, क्यों, क्योंकि आप कहीं भी आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी भी आप इस व्यापार को कर सकते हैं, क्लियर है। तो जो भी यहाँ पर लोग हैं जो पैसा बड़ा कमाना चाहते हैं, मैं फिर प्रश्न कर रहा हूं, आप में से कितने लोग हैं जो कहते हैं मैं बिजनेसमैन हूं, बिजनेस वूमैन हूं, ठीक है। तो एक बिजनेसमैन का जरा एटीट्यूड देखिएगा क्या होता है, एक बिजनेसमैन का एटीट्यूड क्या होता है, वो करता क्या है। एक बिजनेसमैन जब पैसा कमाने के बारे में सोचता है तो वो सबसे पहले एक प्रिमाइस लेता है, एक दुकान खरीदता है, एक जगह लेता है, हाँ या ना, यस, हाँ या ना, डीएक्शन में आपको दुकान लेने की जरूरत है क्या, नहीं, लेकिन आपको दुकान लेने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन डीएक्शन में आपको अपने घर का एक कोना लेने की जरूरत है,
मम्मी से, पापा से, पत्नी से, जिसकी चलती हो घर में, उससे थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लीजिएगा कि हमको एक कोना दे दो, एक मेज लग जाए जिसमें कम से कम, या एक अलमारी इतनी बड़ी लग जाए, जितना भी हो सके एक कोना ले लीजिएगा। और दूसरा, ये बिजनेसमैन क्या करता है, जब वो दुकान ले लेता है तो उस दुकान में वो भरता है, क्या भरता है, माल भरता है, माल भरता है, सामान भरता है, हाँ या ना, भरता है नहीं भरता है। अगर आप अपने आस पास सब्जी बेचने वाले को भी देख लें जो कि कच्चा माल हर दिन ला करके अपनी दुकान में भरता है, हाँ या ना, उसको ये नहीं पता है कि ये जो माल आज लेकर के आया है ये पूरा का पूरा बिकेगा या नहीं बिकेगा, हाँ या ना, उसके बाद भी वो उस कच्चे माल पर रिस्क लेकर के आता है और अपनी दुकान में माल भरता है और वो माल बेचता है, हाँ या ना। और अगर वो माल ना भरे और बेचने के निकल जाए तो क्या होगा, ये जो 31 तारीख को और 30 तारीख को आप हजार बीवी के लिए परेशान रहते हैं, माल ही नहीं है बेचेंगे क्या, और कमाना कितना है, 1,10,000। बिजनेसमैन का एटीट्यूड ही नहीं पकड़ रहे हैं, गलती इसमें आपकी नहीं है, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, मैं भी उस माहौल में कभी था, वो एटीट्यूड ही नहीं कभी पैदा हुआ ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बदलाव करना होगा, इतनी देर से यही तो बात कर रहा हूँ, सोच में बदलाव करना होगा, आदत में बदलाव करना होगा, ज्ञान में बदलाव करना होगा, सपनों में बदलाव करना होगा, संगत में बदलाव करना होगा, अनुशासन में बदलाव करना होगा, यही तो बता रहा हूँ। तो आप पैसा कमाना चाहते हैं बड़ा, और कोना लेकर के माल भर दीजिए, और इस माल को जब आप भरेंगे तो आपके पॉकेट में क्या आने वाला है, माल आने वाला, रुपया आने वाला, क्लियर हो रही है बात। तो डीएक्सएन ने जो अभी एक रिसेंट कॉन्सेप्ट दिया हुआ है आपके बिजनेस प्लान का, कोई मुझे बताया कि बिजनेस प्लान में डीएक्सएन में कितने प्रकार से इनकम आती है, नौ, नाइन, कितने, नाइन, कोई आठ, कोई नौ, नौ, अब दस प्रकार की, कितने प्रकार की, दस प्रकार की इनकम आती है, ये अभी अभी जुड़ी है ना, हाँ। और बने रहिए, लगे रहिए डीएक्सएन के साथ, हो सकता है ग्यारहवीं और बारहवीं प्रकार की भी इनकम आने वाले समय में आ जाए, हो सकता है आ जाए, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म बदलते रहेंगे तो जूझते रहेंगे। जो आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, 2 साल पहले, साल भर पहले छोड़ करके चले गए, आईओसी का मजा नहीं पा रहे हम, देखे, लेकिन जो थे उन्होंने आईओसी का मजा लिया कि नहीं लिया, अभी आगे और लेंगे। तो ये आईओसी क्या है, ये आईओसी आपके पास माल रखने के लिए एक बड़ी जबरदस्त व्यवस्था है जिसको कंपनी ने दिया है, और अगर इसको आप समझ करके काम करेंगे तो बड़ा काम होगा। इस आईओसी में आप स्वतंत्र हैं, आप 60,000 रुपए लगाते हैं, आप 40,000 लगाते हैं, आप 20,000 लगाते हैं, आप क्या लगा करके करना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं। आप एक आईडी लेकर के काम करना चाहते हैं, आप 2 आईडी लेकर के काम करना चाहते हैं, आप 3 आईडी लेकर के काम करना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं। मतलब आप एक पैकेज का माल लेकर के अपनी दुकान में भरना चाहते हैं, या 2 पैकेज का माल लेकर के अपनी दुकान में भरना चाहते हैं, या 3 पैकेज का माल लेकर के अपनी दुकान में भरना चाहते हैं, आप क्या हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन मेरा आपसे प्रश्न है कि जिसके पास ज्यादा माल बिकेगा वो ज्यादा माल कमाएगा, या जिसके पास कम माल होगा कम बिकेगा वो ज्यादा पैसा कमाएगा। और डीएक्सएन वाला जो माल है वो आपके पास आकर के लोग खरीदते हैं या आपको जाना पड़ता है, आकर खरीदते हैं, गलत जवाब, जाना पड़ेगा। डीएक्सएन के प्रोडक्ट में बहुत खूबी है, डीएक्सएन के बिजनेस में बहुत खूबी है, अगर कहीं पर कोई कमी आज तक मैंने इस बिजनेस में पाई है तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही कमी पाई है इस प्रोडक्ट में, अगर कहीं कोई कमी मैंने पाई है तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही कमी पाई है इन प्रोडक्ट के। पहली कमी यह है
जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, सारे लीडर छिपा जाते हैं, हम खुल के बोलते हैं कमी इसकी। कोई मैनेजमेंट नहीं बताएगा आपको, कोई लीडर नहीं बताएगा आपको, लेकिन मैं इन प्रोडक्ट की कमी आपको बता रहा हूं कि इन प्रोडक्ट में दो ही कमी है, आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। पहली कमी है, आप सोच के देखिए कोई लीडर निगेटिव बात करता अपने प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन मैं खुलेआम मन से बोलता हूं जो कमी है वो है। पहली कमी ये है इसके अंदर कि इन प्रोडक्ट्स के मुंह नहीं है, अपनी क्वालिटी के बारे में बोल नहीं सकते हैं। है कहीं दिखाई दे रहा? बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, किंग ऑफ हर्ब है, इम्यूनिटी अच्छी करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, बीमारियों में भी काम करता है, यौवनता लाता है, जवानी का एहसास, सारी चीजें हैं उसके अंदर, लेकिन बेचारा बोल नहीं पाता, ये इसकी बहुत बड़ी है। दूसरी एक इसकी कमी है कि इसके हाथ और पैर नहीं है, कहीं चल के जा नहीं सकता, ये दूसरी कमी इसकी। अगर इसके हाथ पैर होते और इसका मुंह होता तो आपकी जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही जाकर के अपना काम कर लिया होता। आपने अगर इसका हाथ बन गए, पैर बन गए, मुंह बन गए, तो ये आपके घर में पैसे की खान खोद देगा, खोद देगा। तो यही समझना है आपको, ये जो फील्ड में जाने वाली बात है, ये फील्ड में आपको जाना है, तो ये जो आपके पास आईओटी का पैक होगा, ये जो माल होगा, ये कितना आप माल रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है, स्वतंत्र हैं आप। कोई आपको दो का मैट्रिक्स का प्लान दिखाता होगा, कोई चार का मैट्रिक्स का प्लान दिखाता होगा, कोई छह का मैट्रिक्स का प्लान दिखाता होगा, लेकिन कोई भी मैट्रिक्स का प्लान देखने दिखाने से पहले आप ये समझ लीजिए कि अब नेटवर्क मार्केटिंग जो है हरजी लोग ना कर पाएंगे। जिस तरह से अब देश में कानून व्यवस्था बन रही है, फर्जी लोग नेटवर्क मार्केट, फर्जी लोग का मतलब अपना प्रोडक्ट नहीं है, कोई तरीका नहीं, कोई सिस्टम नहीं है, कुछ भी लेकर के आए, पैक बनाए और आपके बीच में रख दिया, नहीं। अब ऐसे लोगों को जा जाकर के आप आगाह करिए और उनको बताइए कि भैया एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम डीएसएन है, यहाँ पर भी आप पैकेज प्लान सेल कर सकते हैं, वन टाइम सेल करना है, पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी इनकम आएगी, जनरेशन टू जनरेशन इसकी इनकम आएगी, कोई मेंटेनेंस नहीं करना है, कोई डिफरेंस मेंटेन नहीं करना है, और उससे भी बड़ी बात, कोई बाइनरी नहीं बनानी है, कोई पेयर मैच नहीं करना है, और सबसे बड़ी बात हर जगह पर कैपिंग लगती है, यहां पर कैपिंग भी। ये जब टर्म आप उन लोगों को जाकर के बताएंगे जो पैकेज प्लान सेल कर रहे होते हैं या पैकेज के प्लान में है, आज इस कंपनी में, कल उस कंपनी, परसों उस कंपनी में, नरसों उस कंपनी में, एक अच्छी कंपनी खोज रहे हैं, और डीएक्सएन ने पिछले 26 सालों से क्या किया है, ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है, अपने आप को प्रूफ किया है, कंपनी टेस्टेड ट्रस्टेड है। अभी आज हम कितनी तारीख में बात कर रहे हैं, 7 तारीख में, यस अनो, यस, 3 दिन बाद और चौथे दिन, या तो 10 तारीख या 11 तारीख में यहाँ डीएक्सएन का डिस्ट्रीब्यूटर, उसके चेहरे पर क्या आ जाती है, खुशी, रौनक आ जाती है। कैसे आ जाती है रौनक, हर महीने की 10 और 11 तारीख में क्या आ जाता है, बोनस, बोनस आ जाता है, जो आपने काम किया बोनस। कभी 15 को भी आया क्या, कभी 25 को भी आया क्या, हाँ, लेकिन ऐसे तमाम प्राइवेट सेक्टर या ऐसी तमाम जगहों पर है, हम दिन रात मेहनत करते हैं 10,000 5,000 15,000 25,000 के लालच में, और पता चलता है मालिक ने कहा, साहब ने कहा, इन्होंने कहा, भैया अभी थोड़ा फंड की प्रॉब्लम आ गई है, 10 दिन बाद मिले, भैया 15 दिन बाद दें, अगले महीने आया ना, इवन गवर्नमेंट जॉब में बहुत जगह करो आया ना। डीएक्सएन ने कभी बोला किसी को क्या, कभी बोला डॉक्टर लिम ने आकर के बोला क्या, कभी नहीं बोला डॉक्टर लिम ने कि ऐसा कुछ आपके साथ होगा। डॉक्टर लिम ने हमेशा 10 या 11 को आपके अकाउंट में बोनस भेजता है, क्लियर हो रही। तो अभी आईओटी को आपको कैसे समझना है, ये बहुत अच्छे से समझिए। पैकेज प्लान है जो कि लोगों के पास स्टॉक मेंटेन कराएगा,
आज भी अगर आप ज्ञानी बन रहे हैं और 20-30 हजार 40 हजार 60 हजार का माल अगर नहीं रख रहे हैं, तो मैं बहुत सख्त शब्दों में आपसे बोल रहा हूं कि आप लाख रुपए कमाने के बारे में भूल जाइए। हजार की भी मेंटेन करके आप सोचते हैं लखपति हो जाएंगे, हरगिज नहीं होंगे। आप सोचते हैं कि हम 3000 की भी खाली कर लेंगे तो भी हम लखपति हो जाएंगे, हरगिज नहीं होंगे। अच्छे से ये समझिए, ये बिजनेस जहां पर आपको लेकर के जाना चाहता है वहां जाइए। आपके पास स्टॉक होना चाहिए, होना ही होना चाहिए। बार बार स्टॉक पॉइंट या ऑफिस नहीं भागेंगे, होना ही होना चाहिए एक बिजनेसमैन की सोच की तरीके से। तो ये पैकेज आपको मदद करेगा। वन टाइम खरीदना है इसको, किसी को संशय है? मुझे बहुत ज्यादा, यहां कितने लोग जिनको IOC क्लियर नहीं है, हाथ खड़े करिए। सबको क्लियर है ना? लेकिन उसके बाद भी एक आपको बात बताऊं, IOC या सिम जहां भी जाइए, क्या करके आइए, कैलकुलेशन बता करके आइए। 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा जब बात करिए, कैलकुलेशन बता करके आइए। इसको बोला जाता है सोदा प्लान, इसी को बोला जाता है STP। बहुत पहले एक जगह पर मैं मीटिंग का ऑडियो सुन रहा था। क्या सुन रहा था? ऑडियो सुन रहा था। उस ऑडियो में बोला गया कि अगर आपकी पीली गिर रही है तो क्या करेंगे आप, अगर आप को बिजनेस नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे आप, अगर आपको निगेटिविटी मिल रही तो क्या करेंगे आप, अगर आपका लोग बिजनेस सुन नहीं रहे तो क्या करेंगे आप, अगर आपके नेटवर्क में पैसा कमाने वाले कम हैं तो क्या करेंगे आप, अगर आपके नेटवर्क में लीडर कम है तो क्या करेंगे आप, सबका एक है जवाब था STP। कुछ भी अगर आपके नेटवर्क में हो रहा है तो क्या है? सो द प्लान, दिस इज द बैक टू बेसिस। जो अभी हम लोग बेसिस की बात कर रहे थे, हम बेसिक पे है ही नहीं, हम कहां चले गए, एडवांस हो गए। तो बैक सो द प्लान, कैलकुलेशन दिखाइए। जानते हैं क्यों कैलकुलेशन दिखाइए? ये सबके दिमाग में धंसता है भैया। क्या है ये? रुपया। ये सबके दिमाग में धंसता है, तो कैलकुलेशन जरूर दिखाइए। उसी कैलकुलेशन का हिस्सा है आपको मैं बता रहा हूं कि ये IOC जो है ये पैकेज प्लान है, और इस पैकेज प्लान में ऑर्गेनाइजेशन ने एक 20,000 रुपए का पैकेज बनाया हुआ है, जिसमें 10,000 आपको बिजनेस देने की बात ऑर्गेनाइजेशन करता है, जिसको बोलता है ISV। क्या बोलता है? ISV। अगर आप आए और आपने अपने ही साथ अपने ही डाउनलाइन में एक अपनी ही और एक आईडी ले ली, तो आप दो आईडी हो गए, यानी कि 20,000 और 20,000।